टोंक वासियों का बरसों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या कहीं कि दशकों का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। अब टोंक में भी सुनने को मिलेगी ट्रेन की आवाज। नए बजट में टोंक तक ट्रेन प्रस्तावित, एनडब्ल्यूआर ने पुष्टि कर दी है। अजमेर नसीराबाद सवाई माधोपुर वाया टोंक होकर रेलवे ट्रैक बनेगा और टोंक में ट्रेन के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए। अब जल्द भूमि अधिग्रहण का काम होगा। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के प्रयास रंग लाते नजर आए और देखिए उसके बाद किस तरीके से मालाओं से लाद दिया गया है। तो टोंक में ट्रेन के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृति जारी। रेल सेवा की वित्तीय स्वीकृति पर टोंक घंटाघर चौराहे पर जश्न का माहौल। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के नेतृत्व में जश्न मनाया जा रहा है। अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक ये रेलवे ट्रैक होगा। हाल ही में सांसद जोनापुरिया ने की थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात। पिछले करीब 20 सालों से टोंक में उठ रही रेल सेवा की मांग और मांग को लेकर कई बार धरने और प्रदर्शन हो चुके हैं। हमारे सहयोगी वजाहत जुड़ गए हैं। वजाहत जरा बताए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि चुनाव से पहले टोंक में रेल की इंजन की आवाज सुनाई नहीं देती, इस तरीके से नेताओं के कंफर्मेशन सुनाई देते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है क्या उसे मान लिया जाए कि हाँ देर सही सवेर सही टोंक को रेल मिलेगी, उसकी शुरुआत हुई? जी बिल्कुल विजयेंद्र, कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात टोंक के लिए है। जिस तरीके से दो दशक से लंबे समय से टोंक रेल सेवा की बात होता आ रहा था, लगातार इसको लेकर धरने प्रदर्शन किए गए थे, कई कमेटियां बनी थी, समितियां बनी थी। हर बार जब लोकसभा विधानसभा चुनाव यहाँ पर आते थे तो वादे किए जाते थे नेताओं द्वारा कि टोंक में रेल सेवा लाई जाएगी, लेकिन वादे जो थे वो सिर्फ आश्वासन ही नजर आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो एंट्रीम बजट आया था उसमें कहीं ना कहीं घोषणा की गई है टोंक के लिए करीब 436 करोड़ रुपए की। अजमेर नसीराबाद मधोपुर चौथ का बरवाड़ा वाया टोंक की घोषणा की गई है, जिसके लिए अब रेलवे ट्रैक का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की जो आगे की प्रोसेस है वो की जाएगी, जिसकी खबर आज मिलते ही जो लोग हैं वो घंटाघर चौराहे पर जुट गए हैं। तमाम आतिशबाजियां यहाँ पर की जा रही है, एक दूसरे का मुंह मिठा यहाँ पर कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है की सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया यहाँ पर मौजूद है, लोगों ने उनको कंधे पर उठाया है और जो बुजलाल सरकार है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। वजह क्योंकि सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया दूसरी बार अपना टेन्योर वहां से पूरा कर रही हैं, क्या इस घोषणा और घोषणा से पहले जिस तरीके से वो रेल मिनिस्टर से मिलके आए थे दिल्ली, क्या ये तीसरी बार टिकट की कंफर्मेशन वहां पर लोगों के बीच में इसको लेकर कुछ चल रहा है कि तीसरी बार भी हो सकता है वही चुनाव लड़े? जी बिल्कुल विजयेंद्र, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही उठता है कि अभी हाल ही में रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उनसे सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने मुलाकात की थी। 2 महीने रेल को लेकर रखी थी, एक तो रेलवे ने जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के ठहराव की वो भी पूरी हो चुकी है, 9 जनवरी से ठहराव उसका हो गया है। इसके अलावा टोंक की जो रेल सेवा की मांग थी पिछले कई दशकों की, उसको लेकर भी जोनापुरिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इसकी मांग रखी थी। जोनापुरिया ये कहते थे कि जल्द इस टोंक में जो रेल की मांग है वो पूरी होगी और बजट घोषणा में इसका पूरा होना कहीं ना कहीं ये जरूर एहसास दिला देंगे कि इस बार फिर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया यहाँ से हैट्रिक करेंगे, फिर यहाँ से जल्द टोंक के अंदर ट्रेन आएगी, आपको याद है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि पहले जो नमोनारायण मीणा थे वो यहाँ से सांसद थे, वित्त मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि 873 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो गई है, लेकिन उसके बाद सर्वे का काम जरूर यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन वो सर्वे आगे बढ़ नहीं पाया। कहीं ना कहीं जो पेच था वो राज्य सरकार के पाले में आकर अटक गया, भूमि अधिग्रहण की इजाजत नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से पूरा पेच अटका। लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और टोंक वासी तो 20 सालों से उम्मीद लगाए बैठे, उम्मीद करेंगे इस बार उनकी उम्मीद पूरी हो जाए।